गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज ईश्वर मिश्रा। और लास्ट टाइम हमने क्लास पे आई मीन टू से हमने एवरेज स्पीड पे कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो उसको हम आज प्रोसीड कर रहे हैं कि क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा है, तो वो भी सेम टू सेम हमारा सेम चलेगा। पहले नॉर्मल क्वेश्चन, देन वी गो टू प्रोसीड ऑन द टफेस्ट लेवल, देन वी गो टू ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो दिमाग में आपके खलबली मचा दे, तो उस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एकदम इनिशियल क्वेश्चन से, एकदम बेसिक, फिर से स्टार्ट करूंगा एकदम बहुत नॉर्मल क्वेश्चन से ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहला क्वेश्चन मैं भी लिखने जा रहा हूं, तब तक आप देखिए। देखिए इस क्वेश्चन में, पहले इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, उसके बाद समझेंगे कि उसमें करना कैसे है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट्स सी। ए बॉय वॉक 3 मीटर इन 2 सेकेंड ईस्ट, कहां जा रहा है वो, ईस्ट जा रहा है। देन 2 मीटर इन 3 सेकेंड वेस्ट, आपको पहले पूछा है फाइंड एवरेज स्पीड एंड देन एवरेज वेलोसिटी। अब इस क्वेश्चन पे जहां पे आपको डायरेक्शन पूछा है, तो मैंने हमेशा कहा था आपको क्या करना है, आपको एक डायग्राम बनाना है जिसमें दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, ये आपके दिमाग में होना चाहिए इस टाइप में। और उसके बाद इसके अकॉर्डिंग एक सिस्टमेटिक डायग्राम बनाइए ताकि आपको हेल्प मिल जाए। तो मान लीजिए आप एक पॉइंट से चले और ईस्ट डायरेक्शन में आपने मूव करना स्टार्ट किया, बिकॉज ईस्ट उधर है, तो आप ईस्ट में गए 3 मीटर, कितना गए 3 मीटर, ओके। फाइनली आप यहाँ पे स्टॉप हो गए। फिर कह रहा है कि अब वापस 2 मीटर वेस्ट में आए, मतलब वापस आप कहाँ पर आए, पीछे, इसी में आप पहुंच गए, पीछे मैं ऊपर दिखाता हूँ, लेकिन आप मान के चलिए यहाँ पर, और वापस आप 2 मीटर, मतलब आप ए से बी गए थे 3 मीटर और फिर सी पे वापस आ चुके हैं जो है 2 मीटर। ये है कंडीशन आपकी क्वेश्चन की। अब पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड होता क्या है आपको पता होगा, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस मैंने कहा था एडिटिव क्वांटिटी है, हमेशा क्या होता है ऐड होता है। तो यहां से गया 3 मीटर और फिर वापस आया 2 मीटर, मतलब टोटल कितना चला 3 प्लस 2, तो हम क्या लिखेंगे 3 मीटर प्लस 2 मीटर। टाइम कितना लिया, पहले 2 सेकेंड और फिर 3 सेकेंड, तो 2 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड, दिस इज 5 मीटर और 5 सेकेंड, इट मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड। अब आपसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी, क्या पूछा आपसे, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी भी कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर आप एक एरो लगाएंगे, ये एरो बता रहा है वेक्टर क्वांटिटी, बात हो रही है वेलोसिटी की, किसकी बात हो रही है। अब एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से फाइनल की दूरी, ये है आपका इनिशियल, ये है आपका फाइनल। अब यहां से 3 मीटर गया, 200 मीटर यहां पर आ गया, मतलब यहां से इसकी दूरी अब कितनी बच गई, 1 मीटर, कितनी बच गई 1 मीटर, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये है एंड फाइनल पॉइंट सी है। अब इन दोनों के बीच का हमको दूरी देखना है, बाकी से मतलब नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर एंड टाइम इज अगेन 2 प्लस 3 5 सेकेंड, 2 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड, इट्स बिकम 1/5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर ज्यादा करना चाहे तो 0.2 लिख सकते हैं, 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपने निकाल लिया दोनों, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, इसको आप नोट कीजिए। देन वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उसको पहले समझेंगे। ए मैन कवर 3 इक्वल डिस्टेंस, एक इंसान 3 इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है विद स्पीड v1 v2 v3, फाइंड एवरेज स्पीड। इस बार हमारे पास जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, डिस्टेंस कैसा है इक्वल है, लेकिन स्पीड अलग अलग है v1 v2 एंड v3। तो हम क्या करेंगे, सर पिक्चराइजेशन कर लेते हैं हल्का सा,
ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। मान लीजिए ये तीन है, तीनों की दूरी कितनी है, एस एस, ये भी एस। पहला एस चला V1 स्पीड से, फिर चला V2 से, फिर चला V3 से, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ए बी की दूरी भी ऐसा है, बी सी की भी ऐसा है, एंड सी डी की भी दूरी एस है, और तीनों की स्पीड अलग अलग है। आपने निकालना है एवरेज स्पीड, आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। अब मैंने हमेशा कहा था कि सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, आपको बेसिक फॉर्मूला ध्यान देना। तो बेसिक फॉर्मूला एवरेज स्पीड का मैंने कहा था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उसको लिख लीजिए। इसको तो आपको हमेशा ही यूज करना है, दिस इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब बात आता है, देखिए डिस्टेंस आपके पास गिवन है एस एस एस, बट टाइम गिवन नहीं है, बिकॉज हमारा तीन बार चेंज हो रहा है, T1, T2 एंड T3। तो पहले टाइम निकाल लेते हैं। लेट द T1 की वैल्यू क्या होगी, देख मैंने हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दे रखा है एस अपॉन V1। T2 क्या होगा, एस अपॉन V2, और T3 क्या होगा, एस अपॉन V3, ठीक है। अब इसको मैं शॉर्ट में लिखूं तो क्या होगा, दिस इज एस एस प्लस एस, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1, एस अपॉन V1, एस अपॉन V2, एस अपॉन V3। आई थिंक यू गॉट इट। अब देखिए फिर से नीचे आ जाइए, एस 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 कितना हुआ, 3s, जस्ट राइट ऑन 3s। नाउ यू टेक द एलसीएम, V1 V2 एंड V3, V1 V2 V3 का एलसीएम क्या आएगा, एज इट इज V1 V2 एंड V3। अब V1 से V1 कैंसिल, बचा क्या, V2 और V3, तो क्या आएगा, एस आप ले लीजिए कॉमन, अंदर बचेगा V2 V3 प्लस V2 से V2 कैंसिल, क्या बचेगा, V1 V3, हम से V1 V3 प्लस यहां पे V3 से V3 कैंसिल, तो बचेगा V1 V2 V1 V2। ये आपका आ गया, सब में एस 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 मल्टीप्लाई में था, इसलिए मैंने एस क्या कर लिया, कॉमन लेके बाहर निकाल लिया। आप कंफ्यूज नहीं होगा, जिसमें भी एस एस में बेस है तो पहले एस निकाल लीजिए, बाद में एस निकाल लीजिए, बात एक ही है। अब इस एस से ये एस आपने क्या करना है, कैंसिल कर देना है, और इसको पलट के मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज 3 V1 V2 V3 अपॉन, अब देखिए आराम से लिख लीजिए, V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1। मैंने सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिख लिया, पहले इसको लिखा, फिर इसको लिखा, फिर इसको लिखा, ठीक है, बात वही है। तो इसको आप छाप लीजिए, और यहाँ पे मैंने यूज किया है आपका V1 V2 V3। आपको जब तक एग्जाम में दे दे 20 20 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे, तो आपको जस्ट पुट करना है और आंसर निकाल लेना है। मैं एक एल्जेब्रिक वे में समझाने की आपको कोशिश कर रहा था। तो दिस इज बिकम 3 V1 V2 V3 अपॉन V1 V2 V2 V3 प्लस V3 V1 इज द आंसर इस क्वेश्चन का। इसको आप नोट डाउन कीजिए और फिर हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए पहले इस क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है और ये बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ भी चुका है। सो अब हम जो जा रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, नेक्स्ट लेवल ऑफ द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन एकदम कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको करने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा ब्रेन यूज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट
क्वेश्चन वांट टू आस्क फ्रॉम यू एंड देन यू डिसाइड एंड देन यू प्रोसीड द क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप जल्दीबाजी में करेंगे 99% चांस से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अभी तक जितना आपने सीखा है उस बेसिक को आपको यूज करते हुए इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना है। कुछ भी पैनिक नहीं होना है, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जस्ट आप क्वेश्चन को पढ़िए और उस सिचुएशन को अपने दिमाग में विजुअलाइज कीजिए एंड फर्स्ट ड्रॉ ए डायग्राम एंड देन वी प्रोसीड इन द नेक्स्ट पॉइंट इन द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। बोल रहा है ए बॉय ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, एक बॉय ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, कवर वन थर्ड डिस्टेंस, कितना, वन थर्ड डिस्टेंस विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। अब मैं मान लेता हूं एक पूरा ये बना दिया मैंने डायग्राम और मैंने बोल दिया ये पूरा डायग्राम की वैल्यू कितनी है, मान लो 3s, कितना ले लिया 3s, 3s क्यों लिया, ताकि जैसे मैं वन थर्ड करूं मेरे पास s आ जाए। तो बोल रहा है वन थर्ड मतलब s जो दूरी है वो किस स्पीड से चल रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतना अभी तक आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्टेंस मतलब ये जो 2s बच गया, ये तो s निकल गया, अब इतना दूरी कितना बचा है, 2s बचा है, इतना तो आपको दिमाग काम कर रहा है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ टाइम। अब इसने दूरी बताना बंद कर दी, अभी आ गया टाइम पे। बोल रहा है आधे समय मतलब टी टाइम पे, मान लीजिए ये टी है और ये भी कितना है, टी है। हाफ टाइम में इसकी स्पीड कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड, और नेक्स्ट हाफ में स्पीड कितनी थी इसकी, 6 मीटर पर सेकेंड। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है कि आप चल रहे हो पहले वन थर्ड मतलब s, 3s है तो वन थर्ड कितना हो गया, s हो गया, उसकी स्पीड थी 4 मीटर पर सेकेंड। अब जो 2s बच गया उसमें से आधे समय मतलब t समय में 2 मीटर पर सेकंड था और अगले t समय 6 मीटर पर सेकंड था, आपको निकालना है एवरेज स्पीड। क्वेश्चन थोड़ा सा उसने घुमाया है चेक करने के लिए, एक साथ आपको या कर पा रहे हो या नहीं, कुछ नहीं करना है, बहुत बेसिक बेसिक है, आराम से कर लेंगे। देखिए आपने ये मान लिया s, तो इस s को आप s1 ले लीजिए, s1 की वैल्यू कितनी है s, इसको ले लीजिए s2 और इसको ले लीजिए S3। पहले तो हम S2 और S3 निकाल लेते हैं ताकि हमको टोटल डिस्टेंस मिल जाए। देन वी आर गोइंग टू ऑन टॉकिंग अबाउट टाइम। अब मैंने बोला था डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, मेरे पास वेलोसिटी भी है और टाइम भी है। तो अगर मैं S2 की वैल्यू निकालूं, S2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2t वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम t है। अच्छा अब S3 इज इक्वल टू कितना निकलेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, 60। अब यहां पे तो है हमारा S S में, यहां पर है S T में, क्या चलेगा, नहीं चलेगा। हमको इसको भी किस में लेके आना है, S में, किस में लेके आना है, S में। तो ये बोल रहा है S2 और S3 की वैल्यू कितनी है, 2T और 60, लेकिन मुझे पता है S2 और S3 मिला के कितना है, 2S। इसकी खुद की वैल्यू कितनी है, 2s, क्योंकि अगर मैं पूरा 3s ले रहा हूं तो s तो यहां निकल गया, यहां कितना बचा होगा, 2s। तो मिल सकता हूं 2s इज इक्वल टू 2t प्लस 60, या 2s की जगह इतना मत सोचिए, 2s किसके बराबर था, s2 प्लस s3 के, क्योंकि s2 और s3 ऐड करके कितना आ गया, 2s, टोटल डिस्टेंस 3s था, s हमने यहां से हटा दिया, बचा यहां 2s, 2s किसके बराबर था, s2 के सम और s3 के सम के बराबर। अब 2s को एज इट इज रहने दीजिए, s2 की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 2t, और इसकी वैल्यू कितनी निकाली, 60, जस्ट एड इट, दिस इज 8t एंड दिस इज s। अब t की वैल्यू कितनी आएगी, 2s upon 8, this is s by 4, s by 4, अब t की वैल्यू आपके पास आ चुकी है s by 4, any problem, यहां से आपको t की वैल्यू निकल गई। अब आ जाइए क्वेश्चन पे,
क्वेश्चन हमको कह रहा है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड मुझे पता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, वी ए बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब मुझे पता है टोटल डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था, 3s था ना, मैंने पहले बता दिया था। तो टोटल डिस्टेंस तो 3s है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अब आपके पास तीन टाइम है, दिस इज t1, दिस इज t2 एंड दिस इज t3। अब आराम से ऐसे निकाल लो, लेट दिस इज t1, दिस इज t2 एंड दिस इज t3, क्योंकि तीन बार चेंज हो रहा है, ठीक है। अब आ जाइए यहां पे, अब t1 निकालते हैं भाई। t1 क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये रहा डिस्टेंस ये रहा स्पीड। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t1, s अपॉन 4। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t2, t2 डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना आया देखिए। अब s2 आपके पास कहां पर है, s2 ये रहा 2t। अब t की वैल्यू कितनी है, s by 4, t की वैल्यू कितनी है, s by 4, तो s2 की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, 2 into t की वैल्यू कितनी है, s by 4, काटिए, this is s by 2, s2 की वैल्यू कितनी आई, s by 2। अब ये s2 है, तो डिस्टेंस आ गया s2 और by स्पीड, तो आप क्या लिखेंगे, s by 2 by 2, it's again become s by 4, क्योंकि distance upon speed होता है, distance s2 की कितनी है, s by 2, और speed कितनी है, 2 meter per second में divide किया, तो ये भी कितना गया, s by 4। अब आ जाइए s3 पे, s3 की value कितनी थी, 60, और t की value मैंने कितनी निकाली, s by 4, again put कीजिए, 6 into s by 4, this is 3s by 2। अब s3 की वैल्यू आ गई 3s by 2, इसको डिवाइड करेंगे स्पीड से तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट टाइम, तो t3 कितना आ गया, दिस इज 3s by 2 अपॉन 6। तो फिर से देखिए क्या आएगा, 3s by 2 इनटू 1/6, काटिए, अगेन आ जाएगा s by 4। मैं t1 की वैल्यू भी s by 4, t2 की वैल्यू भी s by 4, और t3 की वैल्यू भी s by 4। अब इसको यहां पुट कर दीजिए, VAV इज इक्वल टू 3s, t1 कितना आया, s by 4, s कॉमन ले लीजिए, 3s, this is s, this is 1/4 plus 1/4 plus 1/4, s से s काट दीजिए, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 upon 3/4, इसको फ्लिप कीजिएगा तो this is become 3/1 into 4/3, 3 से 3 कटा तो this is 4 meter पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड, ठीक है। इसको एक बार आप देख लीजिए अच्छे से, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं दोबारा से, पहले इसको थोड़ा सा देखिए, देखिए इसको मैं दोबारा समझाता हूं एक बार और, ताकि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। बोल रहा था कि एक बॉय ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इसमें 1/3 डिस्टेंस, 1/3 डिस्टेंस वो कवर कर रहा है 4 meter per second से, और रिमेनिंग 2 part, आधा टाइम वो कवर कर रहा है 2 meter और आधा टाइम 6 meter। तो मैंने 1/3 देखते ही मैंने इसको पूरे डिस्टेंस को ले लिया 3s, ताकि मुझे तोड़ने में आसान ना हो 1/3। तो अगर ये पूरा डिस्टेंस 3s है तो 1/3 कितना हुआ, s, तो मैंने इसको s ले लिया, s कितना चला 4 meter per second से, इसको मैंने मान लिया s1, मतलब s1 डिस्टेंस, s3 जो थी 4 meter per second, बाकी 2 half of time में चला, उसमें इसने डिस्टेंस मेंशन नहीं किया है। तो टी टाइम में चला 2 meter per second, फिर टी टाइम में चला 6 meter per second, ठीक है। अब मुझे पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो s2 की वैल्यू मैंने निकाली 2 into t 2t, और यहां पे s3 की वैल्यू निकाली 6 into t 60। लेकिन मुझे पता है कि s2 और s3 2s के इक्वल है, तो मैंने लिख दिया s2 और s3 तो 2s के इक्वल है। अब s2 की वैल्यू मेरे पास किसे क्या आ गई थी, यहां पे 2t,
और एस थ्री की वैल्यू आ गई थी मेरे पास यहां पे, एस थ्री आएगा, एस थ्री की वैल्यू आएगी 60 कर दिया, दोनों का ऐड किया 80 आ गया। अब टी की वैल्यू निकाली मैंने एस बाई फोर, जैसे ही मेरे पास टी की वैल्यू एस बाई फोर आ गई मैंने यहाँ पे टी की वैल्यू पुट की, अब आंसर आ गया एस में, क्योंकि मुझे चाहिए सब कुछ एस में, ये भी एस में, ये भी एस में, ये भी एस में होना चाहिए। तो एस टू एस बाई टू हो गया, एस थ्री थ्री एस बाई टू हो गया। अब मुझे पता है टोटल एवरेज स्पीड क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस मुझे पहले पता है 3s है, या फिर इन तीनों को ऐड करो तो भी 3s आएगा, s प्लस s बाय 2 और 3s बाय 2 को भी ऐड करोगे तो 3s ही आएगा, तो सीधा ही पता है 3s, 3s में लिख दिया। अब टोटल टाइम, टाइम क्या होता है, टाइम मुझे पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो मैंने लिखा t1 t2 t3 क्योंकि तीन बार चेंज हुआ है। t1 कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस है s, स्पीड है 4, तो s बाय 4। T2 कैसे निकालेंगे, अब डिस्टेंस मेरे पास है s by 2 और टाइम कितना है by 2, तो s by 2 by 2 s by 4 अगेन, फिर मुझे s3 पता है 3s by 2 और टाइम स्पीड है 6, तो 3s by 2 को 6 से डिवाइड करें फिर आएगा s by 4, तीनों by s by 4, तो s by 4 s by 4 s मैंने कॉमन निकाल लिया 1 by 4 1 by 4 1 by 4। अब मैंने इसका एलसीएम लिया तो 3 upon 4, इसको फ्लिप करेंगे उल्टा करेंगे तो 3 से 3 4 मीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा, इजी है। अब इससे थोड़ा सा हाई लेवल पे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन मैं दूंगा आपको होमवर्क पे, ताकि आप कीजिए, आपकी प्रैक्टिस हो। देखिए क्वेश्चन देखिए, ए बस कवर हाफ डिस्टेंस विद स्पीड वी, आधा डिस्टेंस इसने कितना कवर स्पीड वी से किया है, एंड रिमेनिंग हाफ एज स्पीड v1 फॉर 1/3 टाइम एंड v2 फॉर 2/3 टाइम। अब मान लीजिए क्वेश्चन पहले समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहां से यहां तक की दूरी मान लीजिए आधी दूरी, मान लीजिए s तो दूरी, वो किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, v स्पीड से, किस ट्रेवल से कर रहा है v। अब बाकी बची हुई दूरी कितनी होगी, s ही होगी। अब इस s दूरी में दो पार्टीशन किया उसने, हाफ v1 कर रहा है 1/3 टाइम से, मतलब t/3 टाइम से इसकी स्पीड क्या थी v1, और सेकेंड 2/3 टी समय में इसकी स्पीड क्या थी v2, ठीक है। अब इस s को मान लीजिए यहां पे s1 में मैं तोड़ता हूं और इसको मैं तोड़ता हूं s2 में, ताकि आपको पता चल जाए s1 s2। अब ये क्वेश्चन आपको गिवन है, अब आपको इसको करना है, ठीक है। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है, सेम उसी मेथड से करेंगे तो हो जाएगा आपका। अब आपको s1 कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s1 कैसे होता, क्या वेलोसिटी इनटू टाइम, मैंने आपको बोला था वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। तो पहले s1 की वैल्यू निकाल लीजिए, s1 आप निकालेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है v1 और टाइम कितना है t/3, तो व्हाट इज द वैल्यू इज v1 t/3, दिस इज द वैल्यू ऑफ s1। नाउ s2 इज वेलोसिटी इज v2 एंड टाइम इज 2/3 t, तो इट्स बिकम 2v2/3, दिस इज द वैल्यू ऑफ s1 एंड s2। और हमको पता है s1 प्लस s2 किसके इक्वल है, s के इक्वल है। अगेन मैं ले सकता हूं s इज इक्वल टू s1 प्लस s2, एंड दिस इज s, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s1, v1 t/3 एंड दिस इज 2v2/3। मैंने जस्ट इसकी वैल्यू नोट की है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, यहां से इसकी वैल्यू उतारते हैं। अब मगर 3s में क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या लग रहा है यहां पे, 3s इज इक्वल टू v1 t प्लस 2v, यहां पे t था, 2v2 t। ओके, अब मैं ऐसा t कॉमन लेता हूं, तो t अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या आएगा, 3s t कॉमन लेता हूं, दिस इज v1 प्लस 2v2। अब t को यहीं छोड़िए, अब क्या है वैल्यू, दिस इज 3s अपॉन v1 प्लस 2v2, ये आपका आ गया टाइम इतना इसका। एनी प्रॉब्लम, अब मान लीजिए t टाइम में ये इतना चला
और पहले ये टाइम मान लीजिए टी वन है, ये कितना है टी वन है, तो टी वन की वैल्यू भी निकाल लीजिए। टी वन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड एस अपॉन वी। अब आ जाइए बेसिक फॉर्मूला पे। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है आपका, वी ए वी एवरेज फॉर्म टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप देखिए टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आपको निकालना है और फिर इसके बाद निकालना है टोटल टाइम। इतना आप छपिए, उसके बाद चलते हैं आगे प्रोसीड करें। देखिए इतना आपने लिख लिया। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना चला था, एस और एस, ये भी एस था और ये भी एस था, तो आप लिख सकते हो टोटल डिस्टेंस कितना था, एस प्लस एस, और टाइम कितना था, यहाँ पर टी वन था और यहाँ पर टी था, तो आप लिख सकते हो टी वन प्लस टी। अब आ जाइए वी ए वी, टोटल डिस्टेंस इज टू एस एंड टी वन, टी वन की वैल्यू कितनी निकाल दी मैंने, एस अपॉन वी। Just write on the second thing. What is the value of t? T के वैल्यू है plus 3s upon v1 plus 2v2. यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। Again, this is 2s. यहाँ से s common ले लीजिए, अंदर आइए। अब जैसे आप अंदर आएंगे एलसीएम करेंगे v और दूसरा क्या आएगा v1 प्लस टू वी टू, क्लियर। अब यहां से वी से वी कैंसिल, तो क्या बचेगा वी वन प्लस टू वी टू, और यहां से ये कैंसिल, तो थ्री वी, थ्री वी। अब इस एस को कैंसिल कीजिए, इसको फ्लिप कीजिए, तो क्या आएगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टू v v1 plus 2 v2 upon v1 plus 2 v2 plus 3 v plus 3 v। दिस इज द वैल्यू, पर आप नोट कीजिए आराम से, फिर इसको मैं आगे समझाता हूं, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको मैंने समझा दिया, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह था, लेकिन ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है और ये आईई रूडोल्फ बुक से है। ये ऐसी बुक है जो अच्छे से लोग करने का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन मैंने समझा दिया है आपसे, हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा हाई लेवल का है, हमको हाई लेवल करना है, बिकॉज अगर हम कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं हम लो लेवल पर नहीं रह सकते, हमको थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा स्ट्रीमली क्वेश्चन था, आप कीजिए। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, वो असाइनमेंट जो मैंने दिया उसको उसको इंक्लूड कर लीजिएगा। वो क्वेश्चन मुझे आंसर असाइनमेंट के साथ चाहिए, मस्ट ही मस्ट है, इसको आप प्लीज नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन जो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ उसको जो अभी मैं लिखूंगा वो असाइनमेंट में मुझे उसका आंसर चाहिए, बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, आप करने की कोशिश कीजिएगा। और जब भी वीडियो सुनिए ईयरफोन ला के विथ यूज योर पेन एंड कॉपी, सुनना नहीं है ये कोई मतलब वो नहीं, जो सत्संग नहीं चल रहा बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, यूज योर पेन एंड कॉपी देन सिट टू लिसन द वीडियो, ठीक है। इसको पूरा अच्छे से लिखिए, फिर मैं अपना क्वेश्चन देता हूँ फटाफट। अब देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है, ये क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे असाइनमेंट में चाहिए, ऑलरेडी बोल रहा हूँ, बाद में मैंने कोई बाहर नहीं सुनना चाहता, मैंने सुना नहीं कुछ भी, असाइनमेंट में चाहिए, मीन्स चाहिए। A man cover half distance with speed v, आधा distance से cover कर रहा है speed v से, and remaining half मतलब remaining आधा दूरी तय कर रहा है v1 से and v2 से for same time, मतलब अगले half की time दे रखी है, दो part में टूट रहा है t और t, ठीक है, equal time interval, average speed निकालना, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगर वो कर लोगे तो भी आ जाएगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने बताया एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में, देखो स्पीड डिपेंड करता था टोटल डिस्टेंस पे और एवरेज वेलोसिटी डिपेंड करता था वेलोस डिस्प्लेसमेंट पे, तो डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, तो एवरेज स्पीड भी ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी, और इसको नीचे लाएंगे तो ऑलवेज ग्रेटर देन वन। ये कॉम्पिटिशन में बहुत बार पूछ लेता है, इसलिए पता होना चाहिए आपको, मैंने नोट में लिखा दिया है कि एवरेज स्पीड या तो हमेशा बड़ा होगा एवरेज वेलोसिटी से या इक्वल होगा, कभी भी एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से बड़ी नहीं हो सकती, और इसको नीचे लेके आएंगे तो इस ग्रेटर देन इक्वल, ये इस टाइप के कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछते रहेंगे लोग, ठीक है।
तो ये था आपका एवरेज स्पीड, मैंने टोटल पूरा कंप्लीट कर दिया। एवरेज स्पीड में आई थिंक अब कुछ भी नहीं बचा है, एवरेज स्पीड हमारा टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे एक्सीलरेशन। इस वीडियो को आप देखिए कम से कम एक से काम नहीं चलेगा, दो तीन बार इस वीडियो को अच्छे से देखिए, क्योंकि ये फिजिक्स उसी की स्ट्रांग होगी जिसकी मैथ स्ट्रांग है। मैथ्स पे ज्यादा वर्क कीजिए, ठीक है? और क्योंकि कभी भी कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको थ्योरी क्वेश्चन नहीं पूछा, सिर्फ न्यूमेरिकल पूछता है। न्यूमेरिकल जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपकी फिजिक्स स्ट्रांग होगी, ठीक है? तो इस वीडियो को मैं आज यहीं खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।